सऊदी से इंडिया पैसा कैसे भेजते हैं। अभी तक की कोई भी वीडियो में ये इस तरीके से नहीं बताया गया है, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखी है, तो मैंने आप देखो, मैं बैंक दिखाता हूँ, देख लो, तहवील अल राजी बैंक लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, ठीक है। कुछ ही देगा टोकन, टोकन लेने के बाद यहाँ पे आएंगे, जैसे ये देखो ये सऊदी है, इसके पास आएंगे, इसको अकामा देंगे अपना। ठीक है, तो किसी ने भी भाई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। जावेद ब्लॉक में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक जावेद ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग टाइम निकाल करके मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया हूँ, ठीक है। बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला था, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सऊदी में इंडिया, सऊदी से इंडिया पैसा कैसे भेजते हैं। मैंने शाहिर शाहिर ब्लॉग की वीडियो देखी, राजन की वीडियो देखी, चार पांच लोगों की वीडियो देखी मैंने, ठीक है। तो किसी ने भी भाई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। करेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे अभी मैं बता रहा हूँ बैठे बैठे, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही उन्होंने बता दिया। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन, और घंटी को दबा लीजिए जो नोटिफिकेशन वाली है, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। तो शुरू करते हैं। इंडिया, यहाँ सऊदी में हम जैसे पैसा हमें मिला, रियाल मिलता है, तो हम अगर इंडिया पैसा भेजते हैं तो वो करेंसी में कैसे बदल जाता है? एक सवाल ये, जावेद भाई, इंडिया पैसा कैसे भेजते हैं? हमें तो ये पता है कि इंडिया में बैंक टू बैंक भेज लेते हैं, वेस्टर्न यूनियन कर दिए, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कहीं से कहीं से कहीं से कहीं, लेकिन सऊदी में क्या सिस्टम है? तभी तो मैंने बोला ना कि सभी लोगों ने वीडियो बना के दिखाया, सब लोगों ने, साहिर भाई की वीडियो पे मैंने कमेंट भी करा, उनकी वीडियो पे मैंने कमेंट करा कि आपने जो भी बना के दिखाया है ऑनलाइन वाला, जो हर बंदे को, हर आदमी को ऑनलाइन का मालूम नहीं है और हर आदमी इतने प्रोफेशन में नहीं है, बोलो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। उन्होंने बताया कि ऐप के द्वारा हम पैसे भेज सकते हैं और स्पीड पैसा भेजेंगे, स्पीड पैसा भेजेंगे, ठीक है। स्पीड मतलब कि आज हमको सैलरी मिला और हम आज पैसा भेजना चाहते हैं, आज के आज घर भेजना चाहते हैं, तो आप में मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम पूरे महीने काम किए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, और हमारी सैलरी मान के चलिए 1500 रियाल है, 1500 रियाल में हम 1000 रियाल घर भेजते हैं। एक महीने तो इंतजार किए ही किए हैं, 1000 रियाल हम घर भेजते हैं। 1000 रियाल भेजने के लिए हमें वेस्टर्न यूनियन से भेजना है या बैंक टू बैंक भेजना है, दोनों में क्या फायदे हैं ये मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। इस बात पे आप नोटिस करेंगे तो आप एक साल के अंदर में कम से कम भी तो आप 25,000 रुपया बचा लेंगे, अगर इस बात को आप ध्यान से रखेंगे, समझेंगे, तो आप बचा लेंगे 25,000 से ऊपर ज्यादा बचा लेंगे एक साल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे हमें पैसा मिलता है, तो पैसा मिलने, अब मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो हमें पैसा मिल गया, ठीक है, हमारा अकामा बन के आ गया, तो पैसा हम भेज सकते हैं। सबसे पहले अकामा चाहिए। अकामा कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अकामा के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये अकामा होता है, ये देखो मेरा फोटो देख लो आप, मैं पूरा नहीं दिखा सकता, ये अकामा है, देख लो मेरा फोटो देख लो आप, ठीक है। मेरा ये अकामा होता है, यहाँ का नेशनल कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड की तरह, ठीक है, जैसे आधार कार्ड हमारे यहाँ होता है ना। हम चलेंगे बैंक। अब कौन से बैंक जाना है तो ध्यान दीजिएगा, बैंक सबसे आसान कोई भी बैंक हो, एनसीबी बैंक है, बहुत सारी बैंक है, एनसीबी बैंक है, तहवील तहवील अल राजी बैंक है, एक अल राजी बैंक प्राइवेट है, एक अल राजी बैंक हमारा बेनिफिशियरी करता है, मतलब कि यहाँ से इंडिया पैसा भेजता है, ठीक है। तो हमें जाना है तहवील अल राजी बैंक में। मैं ऐसा प्रोसेस बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी इस वीडियो को देख करके चुप, बिना किसी से पूछे हुए वो जाके अपना काम करा सकता है, और मैं आप लोगों को साथ लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मैं आज पैसा भेजने जा रहा हूँ, तो मैं आज आप लोगों को साथ भी लेके जाऊंगा कि मैंने कैसे भेजा, कौन सा बैंक है, क्या सब बताऊँ। अब हम चलते हैं बैंक, ठीक है। बैंक जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ वहां पे क्या करना है, नहीं करना है।
हमने गाड़ी पार्किंग कर ली है, ठीक है। देखो मैं बैंक दिखाता हूँ, देख लो तहवील अल राजीव बैंक लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, ठीक है। हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं एंट्री करते खुलते बैंक अंदर जाते हैं, ये यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने का है, मैं भी डिपॉजिट करूँगा। यहाँ पे आएंगे तो ये नंबर देगा सबसे पहले एंट्री करेंगे तो, ठीक है। इससे नंबर लेंगे, की देगा टोकन, टोकन लेने के बाद यहाँ पे आएंगे। जैसे ये देखो ये सऊदी है, इसके पास आएंगे, इसको अकामा देंगे अपना, और अकामा देंगे तो वो हमारा ना अकाउंट बना देगा, मतलब के 3-4-5-6 पेज में आपका सिग्नेचर लेगा, सिग्नेचर उग्नेचर करा उड़ा करके आपसे वो पूरा फॉर्म बना करके आपका पहली बार तहवील अल राजी में पहली बार आप अकाउंट बनाओगे तो 53 रियाल ले लेगा आपसे, ठीक है। 53 रियाल आपसे जमा लेगा तो आपको ATM कार्ड देगा, आपका फाइल बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, ठीक है। और आपको अकाउंट नंबर देना है बैंक टू बैंक भेजने के लिए। मैं भी वेस्टर्न यूनियन भेजने में 25 रियाल चार्ज लगता है और बैंक टू बैंक भेजने में 14 रियाल चार्ज लगता है। चौ दिखाए ना आपको काउंटर पे, आपको ऐसा ATM कार्ड देंगे वो, इस पर आपका नाम लिखा रहेगा, देखो सब कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके, अपना नाम देख रहे हो, ऐसा कार्ड रहेगा तहवील अल राजी का, ठीक है। इस कार्ड से आप मतलब कि जैसे हमारे यहाँ ATM कार्ड होता है वैसे ATM कार्ड है। तो हम ATM करके यहाँ पे आएंगे, ये बैंक के साथ में ही रहता है, एक ATM होता है जिसमें पैसा हम जमा करते हैं, एक ATM होता है जिसमें हम पैसा जमा भी करेंगे और उसी ATM से हम पैसा भेज देंगे अपने वेस्टर्न यूनियन या बैंक टू बैंक, ठीक है। तो हम अकाउंट को अटैच पहले से करा लेंगे जाके जहाँ पे हमने अकामा दिया है ऑफ काउंटर का, मैंने बताया ना आपको वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जैसे ये बंदा खड़ा है ना टी शर्ट में, ये केरला का है, तो ऐसे हर जगह में होता है कोई ना कोई, या अगर कोई नहीं भी हो तो कोई ना कोई आपका हेल्प कर देगा, ठीक है, ये आपकी हेल्प कर देगा। जब आप यहाँ पे अपना ATM कार्ड लेकर के आपका नंबर अटैच रहेगा ATM कार्ड से, यहाँ पे पहली बार आएंगे, यहाँ पे आने का अपना ATM कार्ड डालेंगे, ATM कार्ड डालने के बाद आपको उसमें मैसेज आएगा, उसमें बोलेगा पासवर्ड डाले, पासवर्ड डालेंगे सब कुछ करने के बाद तो आपका ATM कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद इस मशीन के अंदर डिपॉजिट करेंगे वो पैसा, फिर हम अपने इंडिया जहाँ भेजना है इंडियन करेंसी के हिसाब से वो भेज देंगे, तो हमको एक रसीद मिलेगा छोटा सा, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा रसीद मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है मेन जो नॉर्मल सब यूज़ करते हैं, ठीक है। हर कोई आदमी भाई पढ़ा लिखा नहीं होता, हर कोई आदमी की इतना जानकारी नहीं है एंड्रॉयड सिस्टम चलाने की, नेट सिस्टम चलाने की, जिनको जानकारी है वो चला लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखो आप, इसके बाद ऐसा रसीद मिलता है जब हम पैसा भेज लेते, तो यहाँ पे नंबर रसीद वगैरह जो भी है आपको मिलता है ऐसा रसीद करके, ठीक है। जब हम ATM से भेजेंगे तो ऐसा रसीद आएगा, ठीक है। और ATM से हम मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और अगर हम कार्ड हम बनाना नहीं चाहते हैं, कार्ड हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैंने बताया ना आपको नंबर में लग करके वो रसीद लेकर के एक छोटा सा टोकन लेने के बाद हम जाके अकामा देंगे उस काउंटर पे, तो हमको ऐसा रसीद देगा वो, ये है वेस्टर्न यूनियन का रसीद, ऐसा रसीद देगा जिसमें लिखा रहेगा नंबर, कितना पैसा आपने भेजा नहीं भेजा, ये काम करने वाली जो है उसका मतलब है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अभी, ठीक है ना। बैंक टू बैंक भेजने में और वेस्टर्न यूनियन भेजने में क्या फ़ायदा है, कैसे आप साल का 25,000 बचा लेंगे अगर आप पैसे भेजते हैं बैंक टू बैंक या वेस्टर्न यूनियन। अगर आप वेस्टर्न यूनियन भेजते हैं तो आपको पहली बार में 53 रियाल नहीं देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा आप, क्यों, आप उसको 25 रियाल देंगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा, 10 मिनट के बाद आपका वो पैसा निकाल सकते हैं। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि वो हैंड टू हैंड पैसा मिल जाएगा हमारे इंडिया में, ठीक है। और उसका असर मैं बताता हूँ हैंड टू हैंड पैसा मिलने का, जब आप वो वेस्टर्न यूनियन करेंगे तो वेस्टर्न यूनियन में आपको जहाँ पे 1 रियाल का 19 रुपया मिलेगा, तो वेस्टर्न यूनियन में 18 रुपये से भी कम का रेट मिलेगा आपको, 18 रुपया 10 पैसा, 18 रुपया 20 पैसा, तो आप जोड़ सकते हैं, मतलब कि आप जोड़ लीजिए कितना पैसा घट गया वेस्टर्न यूनियन में। अगर हम बैंक टू बैंक पैसा भेजते हैं तो करेंसी अगर 19 रुपया है, 1 रियाल का 19 रुपया, तो हमको 18 रुपया 90 पैसा मिलेगा बैंक टू बैंक में। तो बैंक टू बैंक में क्या है कि अभी आप पैसा भेजेंगे तो आपको कल शाम को नहीं तो परसों मॉर्निंग में पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये प्रोसीजर है जो मैंने बता दिया ओरिजिनली भाई, असली चीज़ जो बताया मैंने, ठीक है, आप ध्यान में रखना। मैं
अगर आप मान लो कि 20,000 रुपये भेज रहे हो, आपके 20 पैसे अगर कम पड़ रहे, 40 पैसे अगर कम पड़ रहे, तो महीने के आपके 800-900 हज़ार सैलरी में से कट गए। कटे कि नहीं कटे बताओ? कोई ज़्यादा ही भेजता है, कोई 30,000-40,000 ही भेजता है, कोई 2 महीने का इकट्ठा पैसा भेजता है। तो आप जोड़ लो, मतलब कि आपके 80-90 पैसे घट जा रहे हैं, समझ गए ना। आप अगर 20,000 भेजते हो तो समझ लो कि इसमें से आपका अगर करेंसी 18 रुपये के हिसाब से है, तो आप उसको आपको कितना मिला? आपको मिलेगा, मान के चलो कि उसमें से आपको 800-900 रुपये का घटा है। इसलिए मैं बोला कि साल में आप 20-25 हज़ार बचा लेंगे अगर आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक पैसा भेजेंगे। बैंक टू बैंक भेजने में क्या प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैसा आपका नहीं पहुंचता है, रसीद है, आप यहाँ के कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूनियन में क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर अटक जाइए, आपको फिर से दोबारा 25 रियाल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेन जो प्रोसीजर है भेजने का, जनरल प्रोसीजर, मतलब कि इस टाइप से हम पैसा भेज सकते हैं, ऐसे ही भेजा जाता है। और अब आइए आप ऐप के बारे में। अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमको हर चीज़ की जानकारी है, सब कुछ का बारे में मालूम है, बैंक अकाउंट अटैच कैसे करना है, कौन सा ऐप से क्या है नहीं है। अब तवीलाल राजी का भी मेरे पास में ऐप है, मैं वो भी ऐप से भी पैसा भेज सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो ऐप का सिस्टम क्या है, ऐप का सिस्टम अगर आपको एंड्रॉयड का सिस्टम पूरा मालूम है, मोबाइल के बारे में अच्छी से जानकारी है, तो आप वो चला सकते हैं। उस क्या पता आपको अगर मालूम नहीं हो, नॉर्मल प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, ये वीडियो आप हर जगह शेयर करो, जो जिनको मालूम नहीं हो उनको ये मालूम हो जाए। ठीक है भाई, तो दुआ में याद रखना भाई, चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना आप। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।